फ्रेंड एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन किंग पर। तो गाइस और आज के इस वीडियो में क्या होने वाला है आप लोग को तो पता चल ही गया होगा। जी हाँ गाइस, तो आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग जो लोहे में लोहा चिपकाने वाली जो वीडियो थी पहले जो मैंने अपलोड की थी, आप लोगों ने उस पर बहुत ज़्यादा ही प्यार दिखाया। सबसे वो पॉपुलर में मेरी वीडियो वही गई है। तो गाइस यार, आप लोगों ने इतना प्यार उस वीडियो को दिया है तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है कि आप लोग को और उसी प्रकार की वीडियो देनी चाहिए। जी हाँ गाइस, तो आज के इस वीडियो में लोहा कैसे चिपकाया जाता है इसी टॉपिक पे ये वीडियो होने वाली है। और गाइस आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि लोहे में लोहा कैसे चिपकाया जाता है, फेविक्विक की सहायता से क्या चिपक सकता है या नहीं चिपक सकता है लोहे में लोहा। तो गाइस यार, आज के इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद जो पड़ोस में बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस कर देना ताकि मेरी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो गाइस यार, इतना तो काम कर ही लेना। तो अब चलते हैं वीडियो की ओर। गाइज यार, लोहे में लोहा चिपकाने के लिए मुझे लोहे की कुछ चीज़ें लानी पड़ेंगी और गाइज फेविक्विक भी लानी पड़ेगी जिससे चिपकाना है मुझे। तो गाइज यार, इन दोनों चीज़ों को मैं लेकर आ चुका हूँ बट आपके सामने भी नहीं लाया हूँ और अब भी आपके सामने भी लेगा। गाइज यार, ये है हमारे पास दो लोहे की पाइपें। गाइज आप लोग को तो ये दिख ही रही होंगी, दिख रही है ना। ये गाइस हमारे पास दो पाइपें हैं जो मैंने पिछली वाली वीडियो में अपलोड की थी वो इससे छोटी पाइपें थी। जी हाँ गाइस, बट यार ये लंबी पाइपें हैं। तो आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया तो मैंने लंबी पाइपें ले आया हूँ। और गाइस अब मैं इनको चिपका कर आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि क्या ये चिपक सकती हैं या नहीं। यार इस पर गंदगी बहुत जमी हुई है इसलिए मैं इसको हल्का सा साफ कर लेता हूँ। और गाइस तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दो। गाइस इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है और गाइस जो मेन चीज़ है जिससे चिपकाने वाला हूँ वो है फेविक्विक। और गाइस यहाँ पर मैं फेविक्विक भी लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ गाइस, जिससे हम लोग चिपकाने वाले हैं। तो गाइस यार, अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको साफ़ कर लेते हैं फिर इसको चिपका कर आप लोग को दिखाते हैं कि क्या ये लोहे की पाइपें चिपक सकती हैं या फेविक्विक से या नहीं चिपक सकती हैं। पिछले वाली वीडियो में तो कुछ देर चिपकी थी फिर बाद में छूट गई थी। तो गाइस यार, आपकी से मैं यही प्रयास करूँगा कि ना छूटें। तो गाइस यार देख लेते हैं वो भी करके। तो अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस यार, हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है बट यार ये अच्छी तरीके से साफ़ नहीं हुई है। बहुत ज़्यादा इस पर गर जमी हुई है, जो जंग होती है वो ज़्यादा ही लग चुकी है। तो गाइस यार, इसको मैंने जो भी जितना साफ़ हो सकता था उतना साफ़ कर लिया है बट यार ज़्यादा तो नहीं साफ़ हुई है। मैं इसको भी हल्का सा साफ़ कर लेता हूँ जहाँ से चिपकानी पड़ेगी मुझे। तो गाइस यार, ये भी साफ़ हो चुकी है। और गाइस अब मैं इसको डालता हूँ फेविक्विक को। जी हाँ गाइस, इसको फाड़ के डालते हैं उस पर। और गाइस अब किसे ज़्यादा इसको वेट देंगे, टाइम ज़्यादा देंगे। जी